फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फोन 2A प्लस एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में ना कॉल फॉरवर्डिंग को आप कैसे स्टॉप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ये वाला ऑप्शन आपको टैप करना है। अब इस पेज में आपको सेटिंग पे टैप करना है, ठीक है। अब इस पेज में आपको नीचे कॉलिंग अकाउंट पे टैप करना है। अब इस पेज में आपको अपने मोबाइल फोन की सिम को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको कॉल फॉरवर्डिंग का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपका रीडिंग सेटिंग होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको ऑलवेज फॉरवर्ड का ये जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करना है। देखिए, इसे सिलेक्ट करने से पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे ये जो मोबाइल नंबर है ना, ये वाला, इस नंबर को आपको ध्यान में रखना है। इस नंबर के बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ऑलवेज फॉरवर्ड का ये नंबर ऑलवेज फॉरवर्ड का ये ऑप्शन टैप कर लीजिए। अब इस पेज में आपको नीचे ऑफ का ये बटन है, ऑफ पे टैप कर देना है। तो आपका पेज यहाँ पे अपडेट होगा। यहाँ पर आपको दोबारा से थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे अब देखिए, सबसे ऊपर ये ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे ऑफ लिखा हुआ आ चुका है। यहाँ पे पहले एक मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा था ना, यहाँ पे अब देखिए ये ऑफ लिखा हुआ आ गया है। तो इस तरीके से कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग जो है स्टॉप हो जाती है। अब मैं देखिए इस सेटिंग के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग को ना स्टॉप करने से पहले ये सेटिंग कैसे काम करती थी कि जब कोई भी पर्सन जो है मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करता था ना, तो वो जो कॉल होती थी ना, वो मेरे मोबाइल नंबर पर नहीं आती थी। वो कॉल उस वाले नंबर पर चली जाती थी जो नंबर यहाँ पे पहले दिखाई दे रहा था, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस कॉल फॉरवर्डिंग को हमने स्टॉप कर दिया है। अब ये स्टॉप करने के बाद कैसे काम करेगी, देखिए, अब कोई भी पर्सन जो है ना मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करेगा ना, तो वो जो कॉल होगी ना, वो सीधा मेरे मोबाइल नंबर पे आएगी। अब वो कॉल उस वाले नंबर पे नहीं जाएगी जो नंबर यहां पे पहले दिखाई दे रहा था, ठीक है। अब उस नंबर पे कॉल नहीं जाएगी मेरे मोबाइल फोन की। तो दोस्तों, ये कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग जो है स्टॉप करने के बाद ऐसे काम करती है। देखिए दोस्तों, आपको आखिरी में एक बात यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर अगर कॉल फॉरवर्डिंग लग रखी है ना, तो इस तरीके से आप उसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर लग रखी है तो इस तरीके से आप उसे इजीली स्टॉप कर सकते हैं कॉल फॉरवर्डिंग को। अगर आप कॉल फॉरवर्डिंग को स्टॉप नहीं करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे कोई भी कॉल नहीं आएगा, सारी की सारी कॉल जो है किसी और नंबर पर चली जाएंगी जो आपको यहाँ पर नंबर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा।